Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you General English in class 10th at BHSS Haril, that is Boys Higher Secondary School Haril. Dear students, my today's topic is a poem, it's in your textbook, namely Snowdrop. Dear students, in this poem, the poet wants to convey that life is full of struggle and hardships. The person who overcomes these situations with courage is said to be brave. The dear students, nature teaches us these lessons of success through various ways, that is by determination and positive approach. Dear students, snowdrop, it is actually a small flower that blooms in severe winter season, and as it cuts its way open through the frosty earth. Dear students, this poem has been written by Ted Hughes. Actually, his name was Edward James Hughes, and Ted Hughes was his pen name. The students, here he presents nature as harsh, unlike other poets who usually present it beautiful. And dear students, this poem, the Snowdrop, is actually a sonnet. It is in sonnet form. And secondly, it is in octave form, which means it is an eight line stanza or poem. And second thing, there is no single rhyme scheme in it. Now, dear students, Ted Hughes here says that now is the globe shrunk tight. Dear students, actually, the poet here says about the winter season that the whole earth seems to have shrunk tight due to terribly freezing cold. जैसे विंटर सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि उस सीजन में किस तरह की सर्दी होती है, और पूरी दुनिया, जब हम पूरी दुनिया की तरफ नज़र डालते हैं, या हम जिस इलाके में या हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे भी बर्फबारी होती है, और विंटर का सीज़न उसमें सीवियर, और हम मैं कहूँ कि फ्रीजिंग कोल्ड होती है. तो टेड ह्यूज़ सेज़ कि इस कोल्ड की वजह से ऐसा लगता था कि ये जो एक ग्लोब है, ग्लोब यानी हियर इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जो ये ग्लोब है, ये ऐसा लगता है कि ये श्रंक हो चुका है, जैसे दुनिया रुक सी गई है, और या मैं कहूँ थम सी गई है. डियर स्टूडेंट्स, देन ही सेज Around the mouse's dull adventuring heart, the poet actually watches in this season the miserable plight of mouse. वो इसलिए कि आम तौर पर rats are the quickest animals, but here he feels as it has become dull and is unable to move. यानी इस विंटर सीजन में इस ये जो ये माउस होता है, ये जो ये चूहा होता है, एक्चुअली असल में चूहा सबसे तेज़, मतलब सबसे तेज़ दौड़ने वाला या जल्दी सुनने वाला जानवर है. तो इस सीज़न में वो भी डल दिखते हैं, मतलब एज इफ हमें कहूँ कि ही इज़ अनएबल टू मूव, या उसमें इतनी सुस्ती आ चुकी है. वेजल एंड क्रो एज इट मोल्डेड इन ब्रास. इतना ही नहीं बल्कि विजल और कॉ, विजल एक किस्म का है, मतलब ये नेवला की तरह एक जानवर होता है,
और कौवा, जो कौवा होता है वो भी तेज तरीन जानवर है, वो भी इसी शिद्दत की सर्दी से ऐसे जम गए हैं जैसे वो पीतल, पीतल यानी ब्रास होता है, ब्रास बोलते हैं, मतलब ब्रास का मतलब यानी पीतल, पीतल एक मेटल है, जैसे कि वो पीतल के डब्बे में डाल कर रखे गए हैं, यानी जैसे वो पीतल ही बन चुके हैं और वो ज़रा भी हिल नहीं पाते हैं। कब? इस सर्दी के सीजन में, इस सर्दी के मौसम में। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, वो जितनी भी मूवमेंट करते हैं जैसे रात के अंधेरे में करते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में दिन और रात एक जैसी होती है। नॉट इन देयर राइट माइंड्स, और दूसरी बात ये हो चुकी है इनकी इनके साथ कि वो इनमें से कोई भी या मैं कहूँ ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड दे आरंट इन देयर राइट माइंड्स, दे कॉन्ट थिंक what to do and where to get shelter. That is how Ted Hughes presents the life of these animals affected by the winter, and it is terrible cold. But now, dear students, he admires this Sonodra. He says, with the other deaths, she too pursues her ends. और इन दूसरे लोगों की, इन दूसरे मैं कहूँ कि इन बाकी जानवरों की मौत से, मौत को देखकर ऐसा नहीं है कि वो भी, यानी वो यहाँ पे शी रेफर्स टू दिस सोनोड्राप, ऐसा नहीं है कि वो भी, वो सोनोड्राप भी रुक सक गया या उसने, वो भी हिम्मत हार चुके हैं, बल्कि ये सोनोड्राप की खासियत ये है कि इट कट्स इट्स वे थ्रू द फ्रॉस्टी अर्थ सरफेस, और इस तरह से हुआ यह है कि वो इन बाकी जानवर की मौत से डरता नहीं, न कि कम हिम्मत हो चुका है, बल्कि अपने मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश में है। एक्चुअली द पॉइंट हियर शोज द मार्वलस एबिलिटी ऑफ सोनोड्राप एंड इट्स एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ सर्वाइवल, इन स्पाइट ऑफ सीवियर कोल्ड इट कीप्स परस्यूइंग इट्स एंड्स। Then there it is brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. दूसरी बात, चलो मान भी लेते हैं कि चूंकि इस फ्लावर की चारम ही नहीं न होती है, फॉर एग्जाम्पल इस सीजन में, मतलब क्योंकि इसका सीजन वो सीजन है, यानी जिस सीजन में ये उगता है या जिस सीजन में ये बाहर निकल आता है, यानी ये सर्दी के सीजन में बाहर निकलता है या उस बर्फ से, बर्फ के सीजन में बाहर निकल आता है, जिसमें हर कोई घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करना करता है न, उसी तरह जिस तरह इस सीज़न के स्टार्स में न चमक होती है न कोई कोशिश हो, ये हम कहें न इनमें कोई कशिश होती है, लेकिन इसका ये झुका हुआ सर, इसका जो ये झुका हुआ सर है जो बेल की तरह होता है, इतना मजबूत होता है कि ये कितनी भी बर्फ हो इसको काट के बाहर निकलता है और अपने मकसद को पूरा करके ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ द नेचर टीचेस अस द लेसन टू बी ब्रेव एंड टू परस्यू द एंड्स। नो डाउट देयर वुड बी मेनी डिफिकल्टीज इन योर वे, बट ओनली दो सक्सीड हु ओवरकम दीज फियर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम के बारे में जो दूसरी बातें हैं, मतलब लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं इसके, या वो एक्सप्लेनेशन के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें, और दूसरी बातें उसमें होती है जिनमें वो एक्सप्रेशन एंड सजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके बगैर जो दूसरे वहाँ पे होते हैं वो क्वेश्चंस, जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसी पोएम में से, और टेक्सचुअल क्वेश्चंस वो मैं पहले ही आप लोगों को फॉरवर्ड कर चुका हूँ, उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।